मुंह में राम बगल में छुरी, हिंदी का ये मुहावरा ऐसे दोगले लोगों की पोल खोलता है जो एक तरफ तो आपके हमदर्द होने की शेकी बगाड़ते हैं और दूसरी तरफ आपका गला काटने के लिए तैयार रहते हैं। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के मामले में बीजेपी का भी यही चरित्र है। बुधवार को पीएम मोदी ने नई कैबिनेट बनाई और उसमें चुन चुन कर दलित और पिछड़ी जातियों से मंत्री भर लिए। कुल 27 ओबीसी मंत्री बनाए गए हैं। ऐसा करके पीएम मोदी ने ये संदेश देना चाहा कि कैसे बीजेपी ओबीसी की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है, लेकिन असल में खेल कुछ और ही चल रहा है। बीजेपी ने बुधवार को ओबीसी के मंत्री बनाए और अगले ही दिन यानी शुक्रवार को ओबीसी का हक मार लिया। दरअसल मद्रास हाई कोर्ट में बीजेपी ने तमिलनाडु सरकार के उस फैसले का विरोध किया है जिसमें मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट के प्रभाव के अध्ययन की बात कही गई है और ओबीसी आरक्षण को लागू करने की मांग की जा रही है। मोदी सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट में बाकायदा एफिडेविट देकर कहा है कि नीट में ओबीसी आरक्षण पर तमिलनाडु सरकार की बनाई जस्टिस ए.के. रंजन कमेटी गैर जरूरी और अवैध है। कमेटी को दिए गए निर्देश न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की स्थिति और विशेषाधिकार के खिलाफ हैं, बल्कि एक निरर्थक प्रयास भी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से घोषित किए गए कानून सभी पदाधिकारियों पर लागू होते हैं। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में फिलहाल ओबीसी आरक्षण लागू नहीं है। नीट के तहत ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए आरक्षण नहीं दिया जा रहा। तमिलनाडु सरकार की मांग है कि या तो ओबीसी को आरक्षण मिले या फिर नीट को ही खत्म कर दिया जाए और राज्यों को अधिकार मिले कि वो मेडिकल की पढ़ाई में किसको कितना आरक्षण देंगे। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने 10 जून को जस्टिस ए.के. राजन कमेटी बनाई थी। कमेटी का काम है कि उसे ये पता लगाना है कि नीट का क्या प्रभाव पड़ा है और तमिलनाडु सरकार नीट में ओबीसी आरक्षण लागू करना चाहती है। लेकिन स्टालिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ तमिलनाडु बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी के नागराजन मद्रास हाई कोर्ट पहुंच गए और इसका विरोध किया। यानी बीजेपी ने खुले तौर पर ओबीसी आरक्षण का विरोध किया है। नागराजन की पीआईएल के जवाब में मोदी सरकार ने कहा कि तमिलनाडु सरकार की कमेटी गलत है, गैर जरूरी है। नीट में ओबीसी आरक्षण का मसला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन वहां भी मोदी सरकार ओबीसी का हक मारने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट नीट में ओबीसी को आरक्षण दे देता है तो ठीक है, हम नहीं देंगे। लेकिन वहीं ईडब्ल्यूएस यानी सवर्ण आरक्षण के मामले में मोदी सरकार ने मामले को सुप्रीम कोर्ट तक जाने ही नहीं दिया, बल्कि पहले ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण को नीट में लागू कर दिया। लेकिन ओबीसी के मामले में बीजेपी दोगली नीति अपना रही है। हिंदुत्व का झंडा उठाने वाले ओबीसी समाज को ये दोगलापन समझना होगा। एक अनुमान के मुताबिक नीट में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलने से ओबीसी समाज के करीब 11,000 कैंडिडेट डॉक्टर नहीं बन पाए। यानी ये 11,000 कैंडिडेट डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन अगर ओबीसी समाज इस बात से खुश हो जाए कि मोदी ने अपनी कैबिनेट में 27 ओबीसी मंत्री बनाए हैं, तो सिर्फ ये गलतफहमी होगी, क्योंकि खुद 100 घोषित ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में ओबीसी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 2019 में जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया था कि मोदी सरकार के 89 सचिवों में से एक भी ओबीसी नहीं है। यानी जहां पावर और अधिकारों की बात आती है, वहां ओबीसी समाज के लोगों को कुछ नहीं मिला। इस समय देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक भी ओबीसी जज नहीं है, लेकिन मोदी सरकार कॉलेजियम के जजों को राज्यसभा तो भेज देती है, लेकिन ये सवाल नहीं उठाती कि वहां ओबीसी के जज क्यों नहीं है। मध्य प्रदेश में जातिवाद जनगणना के आंकड़े कोर्ट में पेश किए गए। 2011 की जातिवाद जनगणना के मुताबिक एमपी में ओबीसी की आबादी 50.09% है, लेकिन एमपी में ओबीसी को सिर्फ 14% आरक्षण ही मिलता है। लेकिन बीजेपी की शिवराज सरकार ने आज तक ओबीसी को आबादी के लिहाज से आरक्षण नहीं दिया। कमलनाथ सरकार ने 2019 में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू किया था, लेकिन कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तब से शिवराज सरकार ओबीसी आरक्षण के पक्ष में ठोस दलील तक नहीं पेश कर रही। यानी हर जगह बीजेपी ओबीसी को निपटाने में लगी हुई है। ओबीसी के अधिकारों की गारंटी के लिए लंबे समय से जातिवार जनगणना की मांग हो रही है, लेकिन मोदी सरकार 2011 के जातिवार जनगणना के आंकड़े दबा कर बैठ गई है। अगर आंकड़े सामने आए तो पता चल जाएगा कि किसका हक मारा गया और किसने सबसे ज्यादा मलाई खाई है। लेकिन मोदी सरकार जानती है कि अगर आंकड़े बाहर आए तो मंडल कमीशन की सिफारिश पर ओबीसी को मिले 27% आरक्षण को बढ़ाकर 50% करने की मांग तेज हो जाएगी। इसलिए आंकड़ों पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ गई और कुछ रेवड़ियां बांटकर ओबीसी को बहलाने की कोशिश कर रही है। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल की इस पोस्ट से आपको ये बात समझने में और आसानी होगी। दिलीप मंडल लिखते हैं,
मोदी ने 27 ओबीसी मंत्री बना दिए और नीट के ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया। नेशनल लॉ स्कूल के एडमिशन में ओबीसी कोटा नहीं दिया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी के पद खाली छोड़ दिए। बैंक पीएसयू के बोर्ड में किसी ओबीसी को नहीं रखा। लेटरल एंट्री से सवर्ण अफसर भर लिए गए। ओबीसी को झुंझुना भी नहीं मिला। ये सौदा कैसा है, इसे डिटेल में समझिए। ओबीसी को अपनी जाति के नेता का चेहरा चमकता देखना है, उनको मोदी जी ने दे दिया। सवर्णों को नौकरी, उच्च शिक्षा, बैंक लोन सप्लाई का ठेका वगैरह चाहिए, वो उन्हें दिया जा रहा है। साथ में सवर्णों को ये भरोसा भी दिया गया है कि हर मंत्री के सिर पर आरएसएस का एक प्रभारी रहेगा, कोई सामाजिक गड़बड़ी नहीं होगी, जिसको जो चाहिए वो दिया जा रहा है। इसलिए ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी जाति के आदमी को मंत्री बना दिया गया, क्योंकि भागवत के ओबीसी और फूले शाहू अंबेडकर के ओबीसी में बहुत फ़र्क है। आपका सिर्फ दलित होना या पिछड़ा होना काफ़ी नहीं है, आपका सामाजिक न्याय के विचार में यकीन रखना, उसको मुकम्मल अंजाम पर पहुँचाना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्या बीजेपी ओबीसी या दलित मंत्रियों को अपने समुदाय की भलाई का कोई काम करने देगी? क्या जिस तरह से 100 घोषित ओबीसी प्रधानमंत्री ने ओबीसी का हक मारा है, क्या उसी तरह से उसके मंत्री भी यही काम करेंगे? आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। साथियों, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मदद कर रही है मेरी सहयोगी अज़रा परवीन, अंशु और अनुज। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।